इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार है। दीपावली की बहुत भीड़ भाड़ है, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बसुबारस है आज, दीपावली की शुभकामनाएं आप लोगों को बहुत सारी। और मुझे ये पूरा यकीन है कि चुनाव चूंकि आने वाले हैं, इसलिए आपकी दीपावली, बहुत सारे लोगों की दीपावली बहुत अच्छी जाने वाली है। सरकार ऐसे भी दीपावली के पे लाडली बहन योजना के जरिए काफ़ी कुछ दे चुकी है आप लोगों को, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दीपावली अच्छी जाएगी और अच्छी ही जाए। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के सारे दुखों को हर ले और आपको हर खुशी दे, जो वाजिब हो और सही हो आपके लिए, जो कुछ सही हो वो करें। दीपावली में भीड़भाड़ है, मार्केट में बहुत सारी भीड़भाड़ है, तो गाड़ियां भी कैसे भी लोग खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, गाड़ी कैसे भी खड़ी कर रहे हैं ये पुलिस वालों को भी पता है कि अब भीड़भाड़ होगी तो यार, एक तो फिर वही बात आ जाती है, महानगर पालिका ने पार्किंग जैसी जगह बनाई नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें, जगह जगह अतिक्रमण करा दिए हैं, दुकानें बन गई है, वहां पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं करी है। तो जब पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं, तो लोग तो दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करेंगे, सड़क पर गाड़ी खड़ेंगे, फिर आप आकर उनको उसकी चालान काट देते हैं, तो कैसे, क्या ये बर्दाश्त कैसे करेगी पब्लिक। गलती महानगर पालिका की और भूर्दंड जो है वो पब्लिक भरेगी। किसी की भी आप चालान काट कर चले जा रहे हैं सड़क पर खड़ी, तो कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे ये सारी वीडियोज भेजी है जो अभी स्क्रीन पर चल रही है। इसके अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये चित्रा चौक का नजारा है, किस तरीके से पूरी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। दुकान के आगे अगर दुकानदार गाड़ी खड़ी कर रहा है, उसका भी चालान काट के जा रहे हैं पुलिस वाले। एसपी साहब जरा समझाइए, चालान काटना सरकार के खाते में पैसे जमा करने से कुछ होगा नहीं। पब्लिक के लिए अगर आपको इतना लगता है कि पब्लिक गलत ना करे, गाड़ी सड़क पे खड़ी ना करे, तो जरा महानगर पालिका और कलेक्टर से मिलके ना पहले पार्किंग बनवा दीजिए, उसके बाद चालान कीजिए। जब पार्किंग बन जाएगी हर मार्केट के लिए, हर मार्केट के सामने, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। बीच में अतिक्रमण का बहुत सारा पंगा हुआ, अतिक्रमण की बहुत सारी दिखावटी कार्रवाइयां भी हुई, शीतल कलेक्शन, मेट्रो ड्रेसेस और पता नहीं कौन कौन से जगह पे कार्रवाइयां कर दी गई, सब नौटंकी थी। अभी जाके देख लीजिए, कुछ भी नहीं हुआ, कोई किसी की पार्किंग वार्किंग बनी नहीं है। तो एसपी साहब को ये कहूंगा कि आपके जो लोग अभी चालान कर रहे हैं ना दीपावली के समय में, उनको जरा बताइए बिना मतलब के चालान ना करें, पब्लिक परेशान होती है और कुछ भी नहीं। पब्लिक पहले पुलिस की रेपुटेशन खराब रखती है, अभी जो सुधरी हुई रेपुटेशन उसको ना बिगाड़ा जाए। पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी वहां पर, उसका भी वीडियो उसके अंदर आया है। अब पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी, उसको तो कोई चालान नहीं बनाएगा, लेकिन जिन लोगों का चालान बना है, जिन लोगों को तकलीफ हुई है, वो लोग जरूर शिकायत करते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग ऐसा ना करें, अभी त्यौहार का समय है, तो जरा पब्लिक को छूट दें। अब एकदम सड़क जाम हो रही है, इसमें भी आपकी गलती नहीं है ये मानते हैं, लेकिन पब्लिक अगर बाजार में गाड़ी लेकर नहीं आएगी तो कैसे पैदल आएगी क्या? तो इसके लिए तो आप ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। आप लोग वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब, ये सब मिलिए और जलगांव में जितनी भी अतिक्रमित की दुकानें हैं सब उड़ा दीजिए। वो जैसे यूपी में योगी का बुलडोजर चलता है ना, ऐसे जलगांव में जलगांव वालों का बुलडोजर चला दीजिए। कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे जलगांव का नाम एकदम शानो शौकत से लिया जाए, हर समय शिकायत और शिकायत ही करती रहती पब्लिक। देखिए आगे से ऐसा ना हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, पब्लिक नाराज होती है। अभी त्योहार का समय है तो थोड़ी बहुत छूट दे देनी चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है।